आगे नहीं जा सकते। अरे ये क्या कर रहा है अतुल, पागल हो गया है क्या? अरे ये स्टंट के चक्कर में खुद भी गिरेगा और सोनिया को भी गिराएगा, क्या कर रहा है यार ये? अतुल एक्सीडेंट हो जाएगा, मत कर प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा अतुल। रुको, क्या हुआ? चलो चल के देखते। ये बाहर कैसे गिर गया? लगता है चक्कर आ गया होगा। ओह नो, इसके मुंह से तो खून बह रहा है। व्हाट? तू मर गया यार। लेकिन ये मरा कैसे? इस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है। या तो कहीं ये मर्डर तो नहीं? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ए, मैं कहता हूँ निकल चलो यहाँ से, निकल चलो। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर पुलिस आ गई तो पुलिस को लगेगा कि हमने इसे मारा है और हमें अंदर कर देगी। ये लोग ठीक कह रहे हैं अतुल, मुझे भी इसमें नहीं पड़ना है। मेरे घर पता चलेगा तो पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। हाँ यार, मुझे भी नहीं फंसना इस लफड़े में, चलो चलते हैं। बहुत हो गया, आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं अतुल के साथ ही रहूंगी। अतुल एक अच्छा काम करने जा रहा है और मैं अतुल के साथ हूँ, चाहे कोई हो या ना हो। मैं भी भैया के साथ हूँ। अब अगर तुम लोग रुक रहे तो मैं भी रुकता हूँ। अब इस हालत में दोस्तों को छोड़कर जाने वालों में से तो हम भी नहीं है। ठीक है, चलो पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ किसी के पास फोन है? अतुल ने ही तो मना किया था फोन लेने से। अरे यार, पिकनिक पे फोन क्या क्या काम, बड़ी टेंशन। और मुझे क्या पता था रास्ते में ये होने वाला है। अतुल अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं और सोनिया यहाँ रुकते हैं, तुम लोग जाके पुलिस को बुला के। सर वहां सामने। सोनिया, अतुल कहां है? पता नहीं, मुझे फंसा के कहां चला गया। अब जरा चुप ही रहो, सीआईडी यहीं पर है। बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने, अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, गाड़ी तो सही सलामत लग रही है, मगर इस आदमी की मौत कुछ अजीब तरीके से हुई है। सर, बॉडी पे जख्म का कोई निशान तो दिख नहीं रहा है, फिर भी मुंह से खून निकला है सर। शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, कहीं अंदर चोट लगी है सर। सर, बॉडी पे से वॉलेट मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस, मिस्टर सुमित, सुमित एंड सन्स, डायमंड मर्चेंट, हीरो का व्यापारी है सर। हाँ ये देखिए सर, सीट पे ये मोबाइल मिला है। सर, गाड़ी में से ऑयल या पेट्रोल लीक हो रहा था पूरे रास्ते में, लगता है पेट्रोल टैंक में होल है सर। अच्छा, हाँ लेकिन पेट्रोल टैंक में होल अपने आप बहुत कम होता है। मतलब सर किसी ने किया होगा। दया, तेरा गाड़ी में पेट्रोल लेके देखो। नहीं सर, पेट्रोल नहीं है। टैंक में होल। सर कहीं इस आदमी ने
कोई जहर वहर तो नहीं खाया है? लेकिन अभिजीत, ना तो इसके होंठ नीले पड़े, ना इसके मुंह में से झाग निकला। एक काम करो अभिजीत, सब मोबाइल चेक करो। तेरी लास्ट कॉल किसी प्रिया को किया है? प्रिया? हाँ सुमित, हेलो, मिल गया क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन बोल रही? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं CID से बोल रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ? CID का नाम सुन के उस औरत ने फोन काट दिया। फोन काट दिया? अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, फिर से ट्राई करो। हेलो मैडम, आपने फोन क्यों काट दिया? वो मैं, सुमित कहाँ है? आप सुमित को जानती हैं क्या? जी हाँ, मेरे पति है। मैडम हम आपसे जरा मिलना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस बताइए। क्यों, क्या हुआ? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज अपना एड्रेस दीजिए। एड्रेस E362 लोखंडवाला। थैंक यू मैम। सर वहाँ पे कुछ तो चक्कर है। चलो चलकर देखते हैं। आप? हम लोग CID से। प्रिया जी घर पे? हाँ जी, आइए। देखिए, हमें आपको सुमित की कुछ चीजें देनी है। सुमित की चीजें? फ्रेडिक्स, ये मोबाइल और ये वॉलेट। ये तो सुमित का है। ये आपको कहाँ मिला? उनकी कार में से। और सुमित वो कहाँ है? देखिए प्रिया जी, ये बात बताने में बहुत अफसोस होता है हमें, लेकिन आपके पति की मौत हुई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहाँ पे हुआ? हाईवे पर एक कार खड़ी थी, उसमें उनकी लाश मिली। मगर आप? मैं सुमित का बड़ा भाई हूँ महेश। और कार में और कुछ मिला? जी नहीं, कुछ नहीं। मतलब बैग वगैरह? बैग नहीं। ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा भी गया, वो कभी नहीं मिलेगा। बेटा? बेटे को क्या हुआ? जी वो बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है स्कूल से। क्या? 1 करोड़ रुपए लेकर सुमित उसी को छुड़ाने जा रहा था। मेरा बच्चा भी गया, अब क्या होगा? हम लाके देंगे आपका बेटा। मगर गाड़ी में ना तो 1 करोड़ रुपए मिले हैं, ना ही कोई छोटा बड़ा बैग मिला है। लेकिन सुमित ये 1 करोड़ रुपए लेकर कहाँ जा रहा था? अलीबाग। अलीबाग? लेकिन वो तो अलीबाग पहुंचा ही नहीं। भगवान, ये तूने क्या किया? देखिए आप घबराइए मत, आपके बेटे को हम वापस लाएंगे। बात दरअसल ये है कि डर के मारे हैं, हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से इकट्ठा करके हम लोगों ने ये पैसे किसी तरह से जमा किए। सर हो सकता है जिन लोगों ने हमें आके बताया कि हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी है, उसमें एक लाश पड़ी है, उन लोगों ने पैसे गायब किए। फ्रेडिक्स, तुम्हारे पास उन 7 लोगों के नंबर्स हैं ना? जी सर। उन सबको बुलाओ ब्यूरो में। देखिए वो किडनैपर्स आपको वापस जरूर फोन करेंगे। दे, तुम यहीं पे ठहरो और जब भी उनका फोन आ जाए एक्शन लेना। डॉक्टर नायला, कुछ पता चला इनके मुंह से खून क्यों निकल रहा था? वैसे तो बाहर से कोई मारने का निशान ही नहीं है। ACP सर, इनके पेट में कांच के टुकड़े मिले। कांच पेट में होने की वजह से काफी खून निकला है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी मौत हुई। कांच के टुकड़े? कांच इसके पेट में गया कैसे होगा? सर इन्हें ये कांच खिलाया गया। कांच के साथ ये देखिए। ये देखिए, कलर और केमिकल अलग हो गया है। इस केमिकल का जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे ये पता चला कि ये कैप्सूल में, मतलब कि दवाई में कांच मिलाकर इन्हें खिलाया गया है।
दया सर का शक सही निकला है। उस गाड़ी के फ्यूल टैंक में छेद मिला है सर। छेद? कितना बड़ा था छेद? बहुत छोटा सा है सर, थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल निकला है। तो इसका मतलब है अभिजीत, जहां पर लाश मिली वहां तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और शायद उसी वक्त उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो शायद किसी को पता था कि सुमित के पास पैसे थे। आपने हमें बुलाया सर? आप सब लोग इधर लाइन लगा के खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी आइए। गाड़ी में से पैसे कहाँ गए? 1 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1 करोड़? हाँ 1 करोड़ कहाँ गए? कौन से 1 करोड़ रुपए सर? वही जो गाड़ी में थे। लेकिन सर हमें तो गाड़ी में कोई 1 करोड़ नहीं मिले। सर सर अगर हम लोगों ने पैसे चुराए होते तो हम आपको क्यों बताते सर? और हम तो खुद आप लोगों के पास चलकर आए थे और गाड़ी के पास तो हमने सोनिया और अतुल को छोड़ा था। अतुल? ये अतुल कौन? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने पूछा ये अतुल कौन है? मैं और अतुल लाश के पास ही थे, पर अतुल ने बोला कि पास वाली दुकान से पानी ले आओ, पर जब मैं वापस वहाँ गई तो अतुल वहाँ नहीं था। मतलब ये अतुल पैसे लेके भाग गया। ये अतुल कहाँ है? कहाँ है अतुल? पता नहीं सर, सर पिकनिक का प्लान तो खुद अतुल ने बनाया था सर। और सर उसका फोन भी बंद है। अभिजीत सारे पैसे अतुल ने चुराए। नहीं सर, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो अतुल आपका भाई है? जी हाँ सर। मुझे लगता है इस अतुल ने सुमित का खून भी किया है। हाँ। और इसलिए तुम लोगों को जबरदस्ती पिकनिक पर बुलाया, एक्सीडेंट देखा, तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में भेजा और सोनिया को पानी लाने के लिए भेजा और खुद पैसे लेकर भाग गया। इस अतुल को ढूंढना चाहिए। हाँ मेघना चलो घर दिखाओ। भैया छुपा होगा कहीं बेड के नीचे। भैया लगता है भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे। नहीं है सर। नहीं है? अभिजीत इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, शायद वैसे यहीं कहीं छुपाए। पैसे मिल जाए तो पता चल जाएगा कि अतुल का इस किडनैपिंग में हाथ है क्या, और हमें बच्चे को भी तो बचाना है। सर, पैसे वैसे तो नहीं मिले, ये मिला है। खुदा पहाड़ निकला चूहा? जी हाँ, चूहा है, दारू की छोटी सी बॉटल। अतुल साहब को दारू पीने की आदत है। मेघना, अतुल दारू पीता है? हाँ सर, वो रोज पीते हैं। घर में बैठ के पीता है या? ज्यादातर तो सर वो पब में पीते हैं, जिस दिन वहां नहीं तो घर में ही बैठकर पीते हैं। अच्छा कौन सा पब है जहाँ वो बैठकर दारू पीता है? यहाँ पास में ही पब है सर, गैरेज पब। कहीं ये फोन खराब तो नहीं हो गया? क्यों नहीं करते? एक मिनट, फोन आप उठाइए और जो कुछ भी कहे मान लेना। फोन टैप करो। हेलो, हेलो। अब तक मुझे पैसे क्यों नहीं मिले? जल्दी ही मुझे पैसे चाहिए, वरना इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना, प्लीज उसे वापस दे दो। हेलो, आप मुझसे बात कीजिए, मैं सुमित का भाई बोल रहा हूँ। सुमित पैसे लेके तो आ रहा था।
था वहीं पे उस अलीबाग के पहले कचरे के डब्बे में पैसे रखवा देंगे। क्या कह रहा था? 75 लाख रुपए मांग रहा था। 75 लाख अगर नहीं दिए तो बच्चे को मार डालेंगे। ठीक है, तुम गाड़ी लेके अलीबाग पहुंचाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। चलो सर, अतुल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी ध्यान से दे रहा। हाँ दया बोलो, कहाँ? अलीबाग में। मैं फेडरिक्स को भेजूँ तुम्हारे साथ में? ओके ओके, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ सर, कोई नई इन्फॉर्मेशन? किडनैपर ने महेश को अलीबाग में पैसे लेके बुलवाया है। दया महेश का पीछा करेगा और कोशिश करेगा वहाँ किडनैपर को पकड़ने की। मैं जाऊँ साथ में? नहीं, दया ने बोला ये काम वो अकेला करेगा। मामला ज़रा नाजुक है, ज़्यादा लोग जाएंगे तो काम बिगड़ सकता है। तुम लोग अतुल को ढूंढो। सर, शायद उस बेटे को कुछ पता हो। बेटा जी, कहिए, टेबल चाहिए? देखिए, हमें कोई टेबल वेबल नहीं चाहिए, हम सीआईडी से हैं। क्या हुआ सर? कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। क्या तुमने साथ में कोई यहाँ कभी देखा है? ये तो अतुल जी हैं, हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, आज भी आया था क्या? जी नहीं, आज वो साहब भी नहीं आए जिनके साथ अतुल जी बैठते हैं। किसके साथ में बैठते हैं? जी मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यही कहीं 35-36 साल के होंगे। ये दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं? जी अक्सर, और काफ़ी देर तक बैठते हैं। कुछ मालूम है वो आदमी कहाँ पर रहता है? आसपास ही रहता होगा ना? जी मुझे नहीं पता। तुम हमारे साथ ब्यूरो में चल के उस आदमी की फोटो बनवाओ, जो जो याद है बताते जाना। ओके हो गया क्या? बार बार पीछे मुड़ के देख रहा। अरे क्या हुआ? I'm so sorry, actually ब्रेक ही नहीं लगा। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं ठीक है, सिर्फ हाथ पे लग गई। I'm so sorry, actually नई नई गाड़ी सीख रही थी ना। पर तुम गाड़ी सीख रही थी तो मेन रोड पे आने की क्या जरूरत थी? घर के आसपास ही सीख लेती। मैंने बैग वहां पर रख लिया। आपने देखा उस आदमी को? तुमने बैग रख लिया? हाँ, क्यों आपने देखा नहीं उसे? वो मैं ये क्या? ये इतनी जल्दी कैसे ले गया? लेकिन आप तो नजर रखने वाले थे ना? हाँ रखने वाला था, मगर वो लड़की पीछे से आके उसने स्कूटर ठोक। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही कहीं आसपास होगा। दुकान वालों ने शायद देखा होगा उसे। लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ। किसका नंबर है? शायद किडनैपर का फोन होगा। ले लो, कॉल ले लो जल्दी। हेलो, लेकिन तुम्हें बैग तो मिल गया ना, अब बच्चा कहाँ है? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। क्या कहा उसने? उसने कहा कि यहाँ पीछे वाली गली में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ आ जाना। बच्चे को लेकर वहाँ आ रहा है। ठीक है, तुम आगे जाके पहले बच्चों को ले लो। जी ठीक है जी। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। सर अतुल जिस आदमी से बार में मिलता था वही आदमी किडनैपर होगा, फोन उसी ने किया होगा सर। तो फिर मैं क्या करूँ? बार 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 एक ही बात बोले जा रहे हो।
अगर उसके आंख से आंसू निकल रहे थे तो तुमने साफ क्यों नहीं किया? परेशान कर दिया यार तुमने। क्या हुआ? सर मेरे से जितना बन सकता था मैंने बना दिया, अब मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकता। देखो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? सर ये बोल रहा है कि जब वो आदमी हंसता है तो उसके आंख से पानी निकलता है और उसकी नाक लाल हो जाती है। क्या? नाक लाल हो जाती है? हाँ सर लाल हो जाती है, लेकिन ये आदमी सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर बोला, देखिए सर फिर बोला, अब बताइए सर मैं उसकी नाक लाल कैसे करूं? अच्छा ठीक है मत करो, लेकिन तुमने कुछ बनाया क्या? नहीं। हाँ सर स्केच तो बन गया। तो फिर चलो दिखाओ। सर ये रहा स्केच। ये तो महेश है, लड़के का चाचा। हाँ? इसका मतलब है अतुल लड़के के चाचा को जानता था। इतना बड़ा धोखा, घर के आदमी ने बच्चे को किडनैप किया। सर मैं जल्दी से दया सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वो महेश के साथ ही है। करो जल्दी करो, और दया से ये भी कहो कि गर्दन तोड़ दी महेश की। सर किडनैपर ने बच्चे को यहीं पे कहीं रखा था, महेश बच्चे को लेके निकल गया। बच्चे का किडनैपिंग महेश ने कराया है, उसी का प्लान है। सर पता चला महेश और अतुल ने दोनों ने मिलके किया है, अपने ही भाई को मरवा दिया। सर अब उस बच्चे की जान खतरे में है, जो आदमी अपने भाई को मार सकता है उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। सर वो गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी महेश की है। सर महेश की? तो महेश यहाँ से गया नहीं। अभिजीत देखो जल्दी। गाड़ी खाली है सर। खाली है? इसका मतलब उसे भागने के लिए टाइम नहीं मिला, वो यहीं कहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे जल्दी, जाओ चारों तरफ। यहीं से आइए, बेसमेंट से। अगर चिल्लाए तो मार दूंगा तुझे। मेरे पास मत आना, वहीं रुक जाओ, वरना मैं बच्चे को मार दूंगा। महेश अगर हाथ भी लगाया ना बच्चे को तो गोली से उड़ा दूंगा, समझे? देखो तुम्हारा भाई तो मर गया, अब इस बच्चे की माँ इसी के सहारे जिएगी। इस बच्चे को कुछ मत करना महेश, मेरी बात मानो। देखो मैं सब समझता हूँ, तुम मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हो। तुम दोनों मेरे पास मत आना, तुम लोग मेरे पास मत आना, वरना मैं बच्चे को सच्ची मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं बच्चे को, जान से मार दूंगा महेश, जान से मार दूंगा मैं बच्चे को महेश। थोड़ा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। 1 करोड़ रुपये कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। कहाँ गए पैसे? कहाँ गए पैसे?
मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम? किसे मालूम है? अतुल को। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर की है ना किडनैपिंग? हाँ। अतुल को मालूम था रास्ते में एक कार खड़ी है? हाँ। कैसे? हाँ? कैसे मालूम था? वो तो पिकनिक पे जा रहा था ना? क्यों? मैंने घर में ही सुमित की दवाई की कैप्सूल में कांच पीस कर मिला दिया था। सुमित ने वो दवाई खा ली थी। अब तो रास्ते में वो खुद ही मरने वाला था और अतुल उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसके कार को ढूंढते ढूंढते। कितने कमीने हो तुम, अपने भाई के बच्चे को ही किडनैप किया और फिर भाई को ही मार दिया। वो तो पैसे देने आ ही रहा था ना बेचारा। हमें मालूम था जैसे ही हम पैसे लेंगे किसी ना किसी तरह पुलिस हमें पकड़ लेगी, और इसलिए उस बेचारे को मार दिया रास्ते में। अतुल ने पैसे नहीं दिए? नहीं, भाग गया वो धोखा देके। है कहाँ वो? हाँ, मुझे मालूम होता तो मैं खुद ही ढूंढ लेता। अब ड्रामा बंद कर, चुपचाप बता कहाँ है वो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं तेरा हलवा बना दूंगा। देख, चुपचाप बता कहाँ है अतुल। मुझे क्या मालूम, इतना बड़ा धोखा दिया उसने, तो मेरे हाथों से खून करवाया और ऊपर से जाएगा कहाँ? बच नहीं सकता हमारे हाथों से, समझे? सर वो कहीं भी जा सकता है, अपनी बाइक लेकर वो कहीं भी निकल गया होगा। बाइक? हाँ, वो सब जगह अपनी बाइक पर ही जाता है। सर, बाइक का नंबर पता करके उसे ढूंढा जा सकता है सर। विवेक, अतुल की बहन मेघना को फोन करो और उसके बाइक का नंबर लो, और सारी वायरलेस गाड़ियां और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो कि जहां भी ऐसी बाइक देखे फौरन रोक लो और अतुल को गिरफ्तार करो। MH02-80536। हाँ, हाँ, एक लड़का है 23-24 साल का, करीब 5 फीट 7 इंच, मीडियम बिल्ड। ओके सर, सोनिया अगर हमें अतुल के बारे में पहले ही बता देती तो हमने अतुल को कब का पकड़ लिया होगा। ठीक है, नहीं बताया तो क्या हुआ, हम उसे अब भी पकड़ लेंगे। सर, अतुल अलीबाग हाईवे पर था, हो सकता है कि वो वापस मुंबई आया ही नहीं हो, पैसे लेकर अलीबाग के आगे निकल गया कहीं पे। प्रेडिक्ट, एक काम करो, अलीबाग और आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो कि वो बाइक को ढूंढना शुरू करें, और कंट्रोल रूम को बाइक का नंबर दो, उनसे कहो कि किसी भी हालत में उसे पकड़ लें। यस सर। हाँ बोलो। हाँ, बाइक नंबर MH02-80536। मिल गई है? कहाँ पे? अक्सर रोड। अक्सर रोड? विवेक सर, जल्दी से गाड़ी अक्सर रोड लो, जल्दी। जी सर। बाइक इतनी अच्छी तरह से पार्क किए, मतलब अतुल ने की होगी। सर, पर ऐसी जगह पे बाइक पार्क करके वो गया कहाँ होगा? सर, वो जरूर यही कहीं होगा। जरा देखो, आसपास देखो, अच्छी तरह से देखो। सर, सर, हाँ, ये देखिए। जूता। सर, कहीं ये अतुल का तो नहीं? हाँ, हो सकता है। जरा देखो अंदर और कुछ मिलता है क्या। जल्दी मुस्कान, तुम उस तरफ जाओ। प्रेडिक्ट, इधर। दूसरा जूता। Oh my God! सर, हाँ।
पलटो इसे। अरे ये तो अतुल है, इसके सर पे चोट है, छाती में किसी ने चाकू से वार किया है। सर राइगर मॉर्टिस की वजह से पूरा शरीर कड़क हो गया है, लगता है इसकी मौत काफी देर पहले हुई। हाँ। सर टाकी पे खून का निशान, इसके सर पे चोट का निशान, मतलब सर यहाँ पर जरूर कोई हाथापाई हुई थी। हाँ। सर हाँ, यहाँ पे एक बैग भी है सर। बैग? खोलो इसे, देखो अंदर क्या। ये देखिए क्या है सर। पैसे, शायद ये वही पैसे हैं। जरा देखो 1 करोड़ है क्या। सर मतलब हमने जो सोचा था वही हुआ, अतुल ने ही गाड़ी में से पैसे चुराए थे। खून करने वाले ने पैसों को हाथ नहीं लगाया है, इसका मतलब सर ये खून पैसों की वजह से नहीं किया गया है। एक काम करो, एम्बुलेंस मंगवा और अतुल की बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो, और एक टोइंग ट्रक भी मंगवा, उसमें अतुल की मोटरसाइकिल को हमारे सीआईडी गैराज में भेज दो। पर सर बाइक क्यों? मुस्कान, अब ये केस पैसों की वजह से या किडनैपिंग का नहीं रहा, अब इसमें और भी फैक्टर ऐड हो गए और हमें कोई भी एविडेंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या है ये? देखने से तो किसी सीट कवर का फाइबर लगता है। सीट कवर? इतना अजीब रंग, नीला, और वो भी इतना ब्राइट नीला। इसलिए मिल गया सर। उस दिन जब मैं उन लोगों के साथ जीप में बैठा था तब मैंने देखा था कि सीट पर इसी रंग का कुछ कवर पड़ा था। इसी रंग का? सर ये सीट कवर का फाइबर ही है, शायद ये वहीं से आया है। मतलब कोई उस गाड़ी में बैठा था तो ये फाइबर उसके कपड़ों में लग गया, फिर वो लड़का या लड़की इस बाइक पे बैठे तो ये फाइबर यहां लग गया। लड़का या लड़की? फ्रेडरिक से काम करो, फौरन उस जीप को मंगा लो, इससे पहले कि कोई सबूत मिटा दिया जाए उस जीप को अच्छी तरह से चेक करो। क्या हुआ सर, मुझे यहां क्यों बुलाया? बस ऐसे ही सर, मैच हो गया। मैच हो गया, देखा? वही है ना सर। एसटी? हाँ जी बोलिए। कल 11 बजे से 12 बजे के बीच में तुम कहाँ थी? कल रात को। जी कल रात को। कल रात को तो मैं पिक्चर देखने गई थी 9 से 12। कौन से थिएटर में? वो ग्रैंड जो मलाड में है। मलाड? वहाँ से एक्सा तो बहुत पास में है ना? हाँ। साथ में कौन था? मेरी एक फ्रेंड थी। जब तुम पिक्चर देख रही थी तब अतुल का फोन आया था? अतुल का फोन नहीं तो? भूल गई? नहीं। मैं याद दिला देता हूँ, जब अतुल का फोन आया तब तुम थिएटर से बाहर आई, अतुल की बाइक में बैठ के अक्सा गई, और वहाँ पता नहीं कैसे अतुल का खून हो गया। अतुल का खून हो गया? ओ, इन्हें तो कुछ याद नहीं है। नहीं। देखो मिस्टी, हमें मालूम है कि तुम अतुल की बाइक पे अक्सा गई थी। किसी ने मुझे देखा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मैं वहाँ गई थी? एक तो मैं पहले ही शॉक में हूँ।
ये हमें अतुल की बाइक पे से मिला है। ये फाइबर तुम्हारी कार के सीट कवर का है। ये फाइबर तुम्हारी कार में से तुम्हारे कपड़ों पर आया और फिर वहां से अतुल की बाइक के सीट कवर पर आया और फिर वहां से हमें मिला, समझी? लेकिन मैं अतुल की बाइक पर कभी बैठी ही नहीं। अच्छा, कभी बैठी ही नहीं है? नहीं, अतुल अपनी बाइक पर बस एक ही लड़की को बिठाता था। कौन है वो लड़की? उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया। सोनिया? सोनिया कहीं भाग तो नहीं? हो सकता है सर। दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों लगी? वो मम्मी पापा घर पे नहीं है और मैं बाथरूम में थी। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ प्लीज आइए ना। ये अतुल का फोन आया था क्या? अतुल तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे। आप खुद ही देखिए ना, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं अतुल कभी ऐसे करता तो नहीं है। वो अब कभी फोन नहीं उठाएगा। कभी फोन नहीं उठाएगा? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये आप बताइए। कुछ समझी नहीं। सोनिया, अतुल का खून किसने किया? खून? अतुल का खून हो गया? जी हाँ, कल रात को, और तुमने उसका खून किया। मैं अतुल का खून करूंगी? मैं अपने बॉयफ्रेंड का खून करूंगी? क्या ये बात सच नहीं है कि अतुल तुम्हारे अलावा किसी और को अपने बाइक पे नहीं बिठाता था? हाँ ये सच है। फिर अतुल के बाइक के पीछे वाली सीट पे हमें ये क्या है? एक छोटा सा फाइबर है जो जीप में से आया है। पहले तुम जीप में बैठी जहाँ ये फाइबर तुम्हारे कपड़ों पे लगा, उसके बाद तुम अतुल के बाइक पर बैठी जहाँ पे ये फाइबर बाइक की सीट पे लगा। लेकिन मैं तो जीप में बैठी ही नहीं। क्या? हाँ, जीप में तो मेघना, मिष्टी, अनिरुद्ध, राकेश और कुणाल थे। सात लोग थे उस दिन, सात लोग। कुणाल, मेघना, मिष्टी, राकेश, अतुल, अनिरुद्ध और सोनिया। इन सात लोगों ने उस दिन हाईवे पर एक आदमी को कार में मरा हुआ देखा। इन सात में से एक की तो मौत हो गई। अतुल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि इन बचे छह लोगों में से अतुल का खून किसने किया? लेकिन अभिजीत, यहां तो सिर्फ तीन ही लोग दिख रहे हैं। सर, यही सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि कुणाल और मेघना कहां है। ये मेघना अतुल की बहन है ना? यस सर। अब बताइए कहां है कुणाल और मेघना? हम लोग कब से फोन लगा रहे हैं मगर वो मोबाइल उठा ही नहीं रहे। इन्होंने भी ट्राई किया। हाँ सर, फोन ऑन है पर कोई उठा नहीं रहा है। उठा नहीं रहा? फोन उठा नहीं रहा तो क्या होगा, हम इन्हें भूल जाएं? हैं? ये खून का मामला है, खून और किडनैपिंग का, समझे? जल्दी से बताओ कहाँ छिपे वो लोग। सर वो जहाँ भी होंगे दोनों साथ में होंगे सर। क्यों? सर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अच्छा, तो ये एक प्रेम कहानी है अभिजीत, ये एक प्रेम कहानी है। मगर सर ये एक किडनैपिंग का केस है, दो दो खून हुए, अतुल का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मेघना उसकी बहन है, शायद उसे भी बहुत कुछ मालूम होगा, वो भी मिली हुई है शायद, और इसलिए गायब है। हाँ, नहीं तो गायब होने का मतलब ही क्या है? तुम लोगों को वाकई मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ हैं? हैं? देखो सच सच बताओ, नहीं तो। नहीं सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हमें वाकई नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं। ठीक है अभिजीत, दया, सारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगाह रखो। यस सर। और शहर से बाहर जाने वाली बसेस भी चेक करो। We'll be right back.
आसानी से निकल जाओगे हमारे हाथ से। फोन करके भागना इतना आसान? आजकल कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता ब्रिश्ता नहीं रह गया। अरे अपने भाई का खून करते वक्त तुम्हें एक बार ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारा भाई है? हाँ भाई। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? मैंने नहीं मारा अपने भाई को। तो किसने मारा? मैंने नहीं मारा। मैं बताता हूँ, मगर प्लीज इसे कुछ मत कीजिए। तो बता। अतुल को मैंने मारा है। क्यों, क्यों मारा तुमने अतुल को? क्योंकि वो मेरी और मेघना की शादी नहीं होने दे रहा था। बस सिर्फ इसलिए मारा तुमने उसे? उसकी बहुत सी बुरी आदतें थी सर। वो शराब भी पीता था और हमेशा मुझे डांटता रहता था, और कई बार तो उसने मुझे मारा भी। फिर भी भाई था वो तुम्हारा। सर मेघना ने जब उसके पास 1 करोड़ रुपया देखा तो इसने मुझे बताया। हम समझ गए सर कि अतुल ने ही किडनैपिंग की है और सुमित का खून किया है। मैं उसके पास गया, मैंने उसे समझाया कि पुलिस के पास चला जा, पर वो नहीं माना। वो जोर से चिल्लाने लगा, हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में उसका खून हो गया। फायदा क्या हुआ? तुम दोनों की शादी तो अभी नहीं हो सकती। अब तुम दोनों को आजीवन कारावास या फिर फांसी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।